ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟੇਸਟਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲਸ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਨੀ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯੈਸ ਮੈਮ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੀਪੀਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯੈਸ ਮੈਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ Hashtag which lady? Hashtag in my cabin. Hashtag I deserve best. Post it. Simple. तू की कर रही है? फोटो अपलोड कर रही है और की? तो सुन भी रही है ऐसे थे कंपनी दी गल कर रहे हैं। तेनू याद है ना? तू इस कंपनी दा हिस्सा है। हाँ ते तू सोच रही है ना कंपनी बारे? मैंनू कुछ सोचने दी लोड़ ही नहीं है। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ देखो, रिंग ते किन्ने डायमंड लगे हुए हैं ना? वैसे कॉस्टली भी काफी है। ये रिंग ना मेरे हस्बैंड ने मेनू गिफ्ट की है। बहुत प्यार करते ने मेनू। मेरे विच कोई कमी भी नहीं है। वैसे मेरे विच ना कुछ भी ना पसंद करने वाला नहीं है। ताई ता अरमान मेरी किन्नी कदर करते ने। सिंपल तेरा काम च बिल्कुल ध्यान नहीं है मिनी तू सारे पॉइंट्स नोट कर लेना पाछो दी मेनू दिखा दी मैं चेक कर लूंगी यस मैम एक्सक्यूज मी मैं हुणे आउंदी हां हां ठीक है तू जा जाके क्विक ब्रेक ले ला सिंपल तेनू की लगदा है कि तेनू तेरा घर वाला बहुत प्यार करता है इहदे च शक वाली केड़ी गल है ऑफ कोर्स ओ मेनू प्यार करदे ने ताईयो तो किन्ने सारे गिफ्ट्स मेनू ले आके दंदे ने ओ तोहफ्यां दी बरसात सिर्फ इस लई कर रिया ताकि तेरी अखां ते पट्टी बची रहे अच्छा ते तेरे हिसाब दे नाल मेरी अखां ते केड़ी पट्टी बन रही है अरमान दी जिंदगी च तेरे तो इलावा कोई होर कुड़ी भी है ये तो की बकवास कर रही है मैं किसी औरत को ये कहना नहीं चाहती कि उदा घर वाला पर हर औरत नू हक है ये जानन दा कि ओदी पिट पिछे की चल रहा है मैं तेरी जिंदगी च दखल नहीं देना चाहती पर ये गल ही एहो जी सी जो मैं अपने तक नहीं रख सकती सी उत्तों ये जान के कि अरमान तेनू प्यार करन दा नाटक कर रहा है तेनू दिखावा कर रहा है देख अरमान दी जिंदगी च तेरे तो इलावा भी कोई होर है हुणे तेरा फैसला है कि तू की करना है तू अरमान नू समझा के सब कुछ सही करना है या मेरे वांग अपनी जिंदगी च खुद अगे वधना है मैनू पता है कि ये फैसला लेना आसान नहीं है पर हुण तेनू ये फैसला लेना ही पैना है ते तेनू लगदा है कि अरमान दा किसे होर नाल अफेयर चल रहा है तू देखिया उन्हें होर किसे नाल हाँ फिर तू की किता मैं उस कुड़ी नू भी चेतावनी दित्ती है पर उस कुड़ी दी अखां ते भी अरमान दे प्यार दी पट्टी बची हुई है वो कुछ समझना ही नहीं चाहती सी इसलिए मैनू ये सब तेनू दसना पिया कौन है कुड़ी मैं तेनू ओदा नाम नहीं दस सकती क्यों क्यों तो मैनू ओदा नाम नहीं दस सकती क्योंकि मैनू पता है कि अरमान ने तेनू यही कहना है कि ये उस कुड़ी दी साजिश है ते घर वालियां इदां दी होंदियां
वो हमेशा अपने घर वाले ते यकीन कर दिया ने। सो मैं नहीं चाहती सी कि उस कुड़ी नू तू गलत समझे। ते हुण तेनू ये समझना पएगा कि अरमान ने ओदे नाल भी झूठे ते वड्डे वड्डे वादे कीते ने। मैनू माफ करी सिंपल, मैं तेनू एहो जी खबर सुनाना नहीं चाहती सी। मैं अरमान नू बहुत समझाने की कोशिश की पर वो फिर तो ओही गलती कर रहे ने। ओही गलती मतलब जो उन्होंने मेरे नाल कीता सी। देख सिंपल, मैं अपने आप नू रोक नहीं सकी तेनू ये सब दसन तो। हुणे तेरे हाथ है, तू अरमान नू समझा ताकि वो एक होर जिंदगी खराब ना कर सकन। हाँ मैं मेरे लिए ऑब्वियसली डफर तेरे लिए है, ये मेरी स्वीट हार्ट वास्ते है। नाले ना तू कली नहीं है जरा सारे का ख्याल रखेंगी, दुख दर्द च काम आएंगी। मैं भी हैगा, मैनू भी कुछ एफर्ट्स करन दे। दस तेनू की होया हुण? दस तेनू केड़ी गल दा स्ट्रेस आ? कुछ नहीं सर। दस मिनी कुछ ते होया? तुसी सच्ची जानना चाहुंदे कि की होया? हाँ की होया? सर तुहाडी वाइफ अपनी रिंग शो ऑफ कर रही सी। ओहो मिनी तेनू मैं समझाना। सारे नू ओह कह रही सी कि ओदे हस्बैंड ने ओनू इन्नी महंगी रिंग गिफ्ट कीती है। एंड यू नो व्हाट सर, उन्होंने बिल्कुल भी कहने तो पहला नहीं सोचा कि ओदा हस्बैंड सिर्फ ओदे नाल प्यार करता है। सर सिर्फ ओदे नाल? ओहो मिनी मेरी तू मेरी ना गल सुन। सर मैनू तो ए भी नहीं पता कि मैं इस पेस्ट्री दा की करा। सर जेड़ी पेन जेड़ी तकलीफ मैं इस टाइम फील कर पा रही हूं ना, मैनू नहीं लगता कि कोई चीज इस पेन नू कट कर सकती है। ओहो मिनी मेरी जान, सिर्फ एक तू ही तो है जरा मैं जानती है, कितना ख्याल कर दिया तू मेरा। अब सिंपल वास्ते छोटे मोटे काम करने पेंदे आ। तू देख सिंपल सिंपल प्रॉपर मटीरियलिस्टिक कुड़ी है, ठीक है? उन्हें सिर्फ महंगी महंगी घड़ियाँ या डिजाइनर कपड़े उन्हें इन्हें ना मतलब आ। तू आप देख मैनू ये सब छोटे छोटे काम ना करने पैने आ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिंपल साढ़े दोनों रिलेशन से कोई भी शक हो। देख तू मैं प्यार कर दी, मेरे लिए इन्ना ही बोलता तो मैं कितना समझती नहीं। आ गल्ला नु ना वो तो दिल ते ना लिया कर। तुसी बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मैनु सिर्फ तुहाडे नाल फर्क पैंदा। हाँ मैं भी तेनू यही कह रहा। चल फटाफट मैं तेनू पेस्ट्री खवा दवा, नहीं तो फिर चुड़ैल वाइफ आ जानी मेरी सिर ते बह जूगी। डोंट वरी सर, वो इन्नी छेती नहीं आने वाले। की मतलब? वो एक्चुअली देशू मैम ते सिंपल मैम उन्हां दी मीटिंग चल रही है। तेनू किद्दा पता? सर मैं कैबिन तो आ रही हूं। तेरा मतलब सिंपल ते देशो कल्ले कैबिन च बैठ के मीटिंग कर रहे हैं? हां गॉड। सिंपल इत्थे की चल रहा है? तुसी दोनों मेरे बिना मीटिंग कर रहे हो कल्ले? यस असी दो में मीटिंग कर रहे हैं। तो मैनू भी बुला लेंदे, मैं इत्थे सीगा। एक्चुअली देशों ने मैनू एक सीक्रेट दस्या। सीक्रेट? केड़ा सीक्रेट? तुसी भी उस सीक्रेट का हिस्सा बनना चाहोगे ना? हाँ क्यों नहीं।
ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਅਫੇਅਰ ਬੇਬੀ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਯਕੀਨ ਕਰੇਂਗੀ? ਅਰਮਾਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ? ਤੂੰ ਕੀ ਇਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਸ ਅਰਮਾਨ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਪੁੱਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਦੇਸ਼ੋ ਬਸ, ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਕਵਾਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਰਮਾਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕੁਛ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ? ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਖੋਲ ਤੇ ਦੇਖ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਦੇਸ਼ੋ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਝੂਠ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੈਲਸੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਛੱਡੋ ਅਰਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਚੱਲ ਸਿੰਪਲ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਅਰਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਓਗੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਬਿਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਅੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਬਸ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆ ਵੁਮਨ ਸੇਵ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਤੇ ਉਤਰ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਟਰਾਈ ਟਰੂਈ ਕਰਨਾ? ਦੇਖ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ।
वैसे भी हुन मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा कि तुहाडी जिंदगी च की चल रहा है। मैनू ते बस उन्हां दोनों कुड़ियां दी फिकर सी, ते उन्हां दोनों नू मैं सच हुन दस चुकी। हुण इह उन्हां दी मर्जी है कि उन्हां ने केड़ी गल नू सच मनना है ते केड़ी गल नू झूठ। उन्हां दोनों ने इह पहलां ही डिसाइड कर लिया है। हाँ, उन्हां दोनों ने भावे फैसला कर लिया, पर तुहाडा सच एक ना एक दिन उन्हां दे सामने जरूर आएगा, ते उस दिन उन्हां नू पता लगेगा कि उन्हां दे नाल किड्डा वड्डा धोखा होया, ते उस दिन तुहानू तुहाडे कीते दा हरजाना जरूर भरना पएगा। ते जिन्ना मैं सिंपल नू जानदी आ ना, ओ ते इस धोखे लई तुहानू मार ही देवेगी। देशो, सुपने देखना बहुत वधिया गल है, आराम ना देख, काली खाती है। जेड़ी औरत प्यार कर सकती है ना, वो औरत बदला लेना भी जानती। तुसी हजे औरतां दी ताकत नू जानिया नहीं, ते मेरी इस चेतावनी नू ना गंभीरता नाल लियो। ओ, मैं डर गया। ओके, देशो मैम। मैनू प्यार ता जता लैण दे, आ देशो नू भी ना एक बंदे दी ताकत दा पता लग ही गया होना। क्यों भी अरमान सेठ, चल भी नहाइए हुण। अरमान, लगता शार लैन गया। कितना मैसेज आया है? पासपोर्ट चेंज करता, पर क्यों? अरमान, अरमान, मेरी बस 5 मिनट और। थोड़ा पासपोर्ट की है, मैं थोड़ा फोन यूज करना है। अरमान, आवाज नहीं आ रही, बाहर आई गल करता। हाँ सिंपल, की कह रही सी तू? पासपोर्ट की है फोन ना लगाओ, नाले चेंज क्यों कितने? पासपोर्ट सिंपल, एक्चुअली ना मेरा पुराना पासपोर्ट ना बड़ा सौखा सीगा, ते हर कोई बंदा गैस कर लेंदा सीगा, मैं चेंज करता उन्हों। ठीक है, फिर तुसी मेनू पासवर्ड दसो, मैं फोन खोल दी। दसो। नहीं नहीं, मैं कर लेना वा। वैसे भी मेरे फोन च कुछ लुकोन लायक तो है ही नहीं, तेनू पता तो है मेरे फोन च की हुंदा। चलो जल्दी करो। नैंसी, हेलो, मैं बहुत वधिया, तू सुना, तू किवें आ? अरमान, बस तेरे कोल ते आही मौका रह गया एक। सिंपल सिंपल फोन डिग गया। अरमान, वो ये कितना डिग गया? पता नहीं यार, हाथ स्लिप हो गया। तू सिर्फ इन पानी से कर। हाँ मैं करता, तू तेरा फोन बजता पे ऐसी ना। नहीं गया होना, पानी से कर दो। फोन मेरा सारा नवा फोन खराब हो गया। अरमान, इनू बाहर कड्डो, कोई पानी नहीं गया होना। बाहर किद्दा कड्डा, निकल ही नहीं रहा, स्लिप करी जा रहा। मेरा नवा फोन। अरमान, इनू कड्डो बाहर। रुक जाना। मम्मी जी, सिंपल तो मेरी कोई गल ही नहीं सुन रही। उन्हू ये लग रहा है कि अरमान एक बार कीती हुई चीज नू दोबारा दोहरा ही नहीं सकते। दोनों कुड़िया नू इदां लगदा है कि अरमान उन्हां नू बहुत प्यार करदे ने। दोनों ही अरमान दीआं गल्लां च आईआं होईआं ने। देशो, मैनू तां यकीन ही नहीं हो रहा कि अरमान नू अपनी जिंदगी तों वी कोई सबक नहीं मिलिआ। ओह ओही सब कुछ दोबारा दोहराण जा रहा है, ते ओह फिर इक कुड़ी दी जिंदगी बर्बाद करन जा रहा है। मैनू ना दोनों कुड़ियां लई बहुत बुरा लग रहा है
हमें जो दोनों कुड़ियां अरमान नू बहुत प्यार कर दिया ने। पुत्र तेनू ओदे लिए कोई अफसोस करने की लोड़ नहीं है, ते खास करके सिंपल लिए ओदे नाल जो भी कुछ हो रहा ना वो उसे दी हकदार है देशो। ते रही गल दूजी कुड़ी दी, ओनू तां मैं जानदी भी नहीं देशो, ते वैसे भी वो बद्दी मां की होएगी जेड़ी तेरे चेतावनी देने तो बाद भी अरमान ते भरोसा कर रही है। मम्मी जी वो बहुत भोली है। पुत्र तू अपनी जिंदगी ते परिवार वाल ध्यान दे। अच्छा रणवीर दा की हाल है? मम्मी जी रणवीर काफी बेहतर ने, मैं उन्हां दा खास ध्यान रख रही हूँ, नाले जल्दी उन्हां दा बीपी ते शुगर नॉर्मल हो जाएंगे। मैं हुण तो उन्हां नूं सिर्फ तंदुरुस्त खाना दे रही हूँ। मैनूं पता है दिशा कि तू सब सांभ लेंगी, पर तेरे ते रणवीर दे रिश्ते च कोई सुधार आया? पता नहीं मम्मी जी, पर अग्गे नालों नरम हो गए ने, उम्मीद है कि जल्दी मैनूं अपना भी लेंगे। ऐदा ही होएगा पुत्र, मैनूं पता है सब ठीक हो जाएगा, तू बस अपनी जिंदगी वल ध्यान दे ते बाकी सब नूं अपने हाल ते छड़ दे, सब अपना अपना आप देखणगे। जी मम्मी जी। पुत्र मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे नाल है। मैनूं पता है मम्मी जी।